जोहार, नमस्कार। आप सभी किसान भाई बहनों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत करती है आपकी झुमकी बहन। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आपकी खेती बारी वो भी अच्छी होगी। तो जैसा कि हमेशा हमारे कार्यक्रम में आपके लिए कुछ नई बातें होती हैं, नई नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे पहले हम लोग चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहाँ है आपके लिए खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मौसम का मिजाज और बाजार का भाव। तो आइए चलिए देखते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप इरिगेशन के लिए 90% अनुदान की सुविधा उपलब्ध। बरसात में लह उत्पादन के लिए चुने बेर का पेड़। बेबी कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद HS4। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, पारंपरिक सिंचाई विधि की तुलना में टपक सिंचाई से 50-60% पानी की बचत होती है। झारखंड जैसे पठारी राज्यों में घटते हुए जल स्तर को देखते हुए सिंचाई के लिए सबसे कारगर तकनीक है टपक सिंचाई। सरकार इसके लिए 90% अनुदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। किसान इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान भाई को ये मालूम होनी चाहिए कि ड्रिप सिंचाई से 50-60% पानी की बचत होती है, और इसके लिए सरकार जो है प्रति एकड़ 36,000 रुपये इसमें सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में सरकार मुहैया करा रही है। इसके लिए उनको सिर्फ आवेदन देना होता है। जिला कृषि पदाधिकारी या जिला उद्यान पदाधिकारी के पास जाकर आवेदन ले सकते हैं और आवेदन को भरकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सिर्फ उनको 10% जो है उनको अपना पैसा लगाना पड़ता है, बाकी 90% अनुदान के रूप में सरकार देती है। इसलिए यहाँ पर किसान को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेनी चाहिए। जो ग्रामीण फलदार या इमारती लकड़ी वाले पेड़ लगाए हुए हैं, वे इन्हें सूढ़ी कीट के प्रकोप से बचाने पर ध्यान दें। छोटे पौधे में छेद करके सूढ़ी कीट अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पौधे को खोखला बना देते हैं। बचाव के लिए सूढ़ी कीट से ग्रस्त पौधों की छटाई करके उन्हें नष्ट कर दें। इस तरह के जहां भी पौधे दिखते हैं तो उसको अच्छी तरह से छटाई करके निकाल लें, क्योंकि जो उसकी सूढ़ी होती है उसी के अंदर रहती है, और छटाई करके निकाल कर उसको लकड़ियों को जला दें, उसे नष्ट कर दें। इससे ये होगा कि आने वाले जनरेशन में उनका प्रकोप नहीं होगा। किसान भाई, बरसात के मौसम में लाह की खेती करनी हो तो इसके लिए सबसे उपयुक्त बेर का पेड़ है। बेर की पत्तियां छोटी होती हैं, इससे डालियों को पर्याप्त सूर्य की रोशनी और हवा मिलती है, साथ ही बारिश से लाह की गंदगी आसानी से धुल जाती है। बरसात के दिनों में अगर बेर के पेड़ पर अगर हम कीट संचारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बेर का पेड़ में जो बेर की पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है, जहां छाया का प्रकोप नहीं हो पाता है, और सूरज का धूप और बाहर का वातावरण में जो हवा है आसानी से घिरता रहता है और मिलता रहता है। इससे हमारा लाख का पपड़ी जो है पानी आने पर धुल जाता है, और जो हनी ड्यू है, जो मधुरस है, जो लाख का मलमूत्र, वो धुलता रहता है। और उससे धुलने से क्या होता है कि हमारा लाख के पपड़ी के ऊपर गंदगी नहीं जमा हो पाता है, इससे फंगस का अटैक कम होता है और बेर के पेड़ पर आसानी से दवा का छिड़काव हो जाता है। बेबी कॉर्न मकई की ही एक प्रजाति है, जिसका दाना छोटा और स्वाद मीठा होता है। झारखंड में बेबी कॉर्न से अच्छी उपज हासिल करने के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें और इसकी खेती में किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की राय। बेबी कॉर्न का
उपयुक्त किस्म है HS4 या प्रकाश। ये जो है आपको मक्के और स्वीट कॉर्न में विशेषकर ये देखा जाता है कि इसको घना लगाते हैं और इसमें जो इसके पौधे हैं एक एक पौध से लगभग 4 से 5 इसमें कॉब मिल जाते हैं और ये लगाने के समय ये सावधानी रखा जाता है कि इसका अधिक से अधिक जो खाद देना है उसके गुड़ाई करने के समय मिट्टी चढ़ा दिया जाता है और यह जो है मार्केट में 4 से 5 दिन में तोड़ने के समय भुट्टा आने के समय इसका मार्केट में आ जाता है। कतार में लगाए गए धान के खेत से खरपतवार निकालने के लिए सबसे कारगर कृषि उपकरण कोनोवीडर है। कोनोवीडर चलाना भी आसान है और इससे खरपतवार निकालना भी आसान है। इसकी खासियत ये है कि पानी में डूबता नहीं है। जब हमारे किसान भाइयों आप कतार में जब धान लगाएंगे यह कोनोवीडर काफी लाभदायक है। यह कोनोवीडर आगे आप देख रहे हैं इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जो खरपतवार हमारी उठी हुई रहती हैं, उनको ये आगे बढ़ा के कतार के बीच में दो कतारों के बीच में ये दबाता है। ये कोन एक कटी हुई है एक प्लेन है। ये दोनों हमारे किसान बंधुओं ये क्या करता है घास और खरपतवार को निकालता है। जो इससे छूट जाती हैं वो ये कोन उल्टी दिशा में लगी हुई है और जब हम इसको चलाते हैं तो यह उखड़ती जाती है और जब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो यह पैर से धंसती जाती है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में रासायनिक दवाइयों के बिना फल छेदक कीटों को कैसे नियंत्रित करें। किसान भाइयों टमाटर फसल में रासायनिक दवाइयों के बिना फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए 5 गंगपाश यानी 5 फेरेमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। फल छेदक कीट इसमें फंस जाएंगे, इससे टमाटर फसल फल छेदक कीट से मुक्त रहेगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2140 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 2050 रुपए से 2200 रुपए, दाल अरहर 12600 रुपए से 14600 रुपए, दाल मसूर 9460 रुपए से 9800 रुपए, दाल चना 6960 रुपए से 7200 रुपए, सरसों तेल 9880 रुपए से 10800 रुपए, चीनी 3970 रुपए से 4100 रुपए, आलू 1330 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1460 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोहार। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी बुआई जुताई गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार।
तो किसान भाइयों, देखा आपने, ये कृषि समाचार था आपके और सिर्फ आपके लिए, जिसमें थी खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मौसम का मिजाज था कि कैसे मौसम मिजाज बदल रहा है हर दिन, और बाजार का भाव था। जैसा कि मैंने कहा कि मौसम मिजाज बदल रहा है, तो अब खेती बाड़ी का समय आ गया है, बारिश होनी शुरू हो गई है, अब आप धान लगाएंगे। तो इसी पर एक वृत्त चित्र है कि धान फसल की नर्सरी का प्रबंधन आप कैसे करेंगे ताकि आप इस बार धान की फसल ज्यादा से ज्यादा उगा सकें। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं धान फसल की नर्सरी के प्रबंधन पर ये खास वृत्त चित्र। आइए, आज की आधुनिकता के इस दौर में हर जगह मशीन का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो दूर संचार की बात हो या फिर चांद पर कदम रखने की। हर जगह मनुष्य मशीन का इस्तेमाल कर अपने कार्य को सरल बना रहा है। ऐसी मशीन का प्रदर्शन किया गया झारखंड राज्य के रांची जिला के रुक्का क्षेत्र में, जिसके माध्यम से किसान धान के बिचड़े को आसानी से अपने खेतों में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। इसे पैडी ट्रांसप्लांटर कहते हैं। इस मशीन की खासियत यह है कि इसके माध्यम से पौधे की दूरी 28 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर के बीच किसी भी जगह सामंजित कर सकते हैं। इस तरह से श्री विधि में जिस तरह से बिचड़ों को रोपा जाता है, मशीन के माध्यम से वैसे ही बिचड़ों की रोपाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान एक दिन में 4 एकड़ में बिचड़ों की रोपाई कर सकते हैं। ये जो है इसको पैडी ट्रांसप्लांटर बोला जाता है, मतलब धान रोपने वाला मशीन, ठीक है, धान रोपने वाला मशीन। इस मशीन में जो है 3 पार्ट होता है, एक आपका इंजन है, एक गियर बॉक्स है और एक ट्रांसप्लेशन है। ये मशीन पेट्रोल से चलता है। बिचड़ा कहाँ डालना है? बिचड़ा भी बता रहे हैं, ये मशीन पेट्रोल से चलता है, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग पेट्रोल इंजन स्टार्ट करते हैं चाहे और कुछ मेंटेन करते हैं, उसी तरह से इस इंजन को भी जो है हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। इंजन के लिए मेंटेनेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम लोगों को इसका जो है विधि समझना पड़ेगा किस हिसाब से हम लोग इसको जो है रोपेंगे खेत में। यह मशीन पेट्रोल से चलती है तथा इस मशीन से बिचड़ा रोपने के लिए नई विधि से बिचड़ा तैयार करना पड़ता है। इसकी नर्सरी पारंपरिक तरीके से भिन्न होती है। इसमें ट्रे अथवा फ्रेम में बीज को बोया जाता है ताकि बिचड़ों का केक तैयार हो सके तथा मशीन के माध्यम से उस बिचड़े के केक की रोपाई हो सके। ये नर्सरी आप लोग जिस तरह से पुराना पद्धति से बनाते थे उस तरह से नहीं बनेगा, इसका एक एक जो है केक बनेगा, मतलब जड़ एक साथ लगा हुआ रहेगा, क्योंकि जड़ अगर छोटा हुआ रहेगा, अगर मुट्ठा जैसे आप लोग पुराना विधि से जो काम करते हैं उसमें दीजिएगा तो मशीन खींच नहीं सकता। ये मशीन का एक अपना एक सिस्टम है, सबका जड़ अलग अलग रहेगा, सबका जड़ अलग अलग, तो आप लोग जिसे करते हैं उसमें रहता है, लेकिन इसमें मेरा जड़ अलग नहीं रहेगा, इसमें मैट जैसा हो जाएगा, मैट जैसे जैसे हम लोग पैर पोछते हैं, पैर पोछने के लिए केक जैसा रहता है ना मैट, उसी तरह से एक मैट बनेगा। जैसे छाद उद में बिछड़ा छीट देने से क्या होता है, पूरा सीट समय निकलता है, उसी तरह से जो है इसमें जो है एक साइज होता है जिसको हम लोग ट्रे का साथ बना सकते हैं या ईटा जैसे पाड़ते हैं उसी तरह फ्रेम में भी बना सकते हैं, जो अभी आप लोग को ले जाके खेत में दिखाएंगे, ओके। तो अब नर्सरी जो है आपको वहाँ ले जाके बनाते हैं कैसे, उस तरह के उसको दिखाएंगे। अब ये मशीन कैसे चलेगा उस नर्सरी का साथ, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इस मशीन को बड़ी आसानी से खेतों में चलाया जा सकता है तथा इसे चलाने की विधि बहुत सरल है। इसमें मेन स्विच दिया रहता है जिसे ऑन करने के बाद एक्सेलेटर लिया जाता है तथा दी हुई रस्सी को खींचने से इंजन स्टार्ट हो जाती है। स्विच है, मशीन का स्विच है, इस स्विच से सबसे पहले इसको ऑन कर किए हम, ठीक है। ऑन करने के बाद, ऑन हुआ, ऑन करने के बाद एक्सेलेटर लिया हल्का सा, एक्सेलेटर लेने के बाद पेट्रोल इंजन है बोल के, अगर ठंडा है तो चौक ले लिए, चौक लेने के बाद जो है हम इसको कूलिंग करेंगे तो इंजन स्टार्ट होगा। पैडी ट्रांसप्लांटर के द्वारा बिचड़ा प्रत्यारोपित करने के पहले ये ध्यान देने की जरूरत है कि बिचड़ा के लिए नर्सरी कैसी जगह पर बने, इसमें जल निकासी की व्यवस्था कैसी हो। धान की खेती करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा बिचड़ा जो खेत के लिए लगाना है धान, उसके लिए बिचड़ा हम कहाँ पर करेंगे, उसके लिए उपयुक्त जगह कहाँ होना चाहिए। ध्यान रहना चाहिए कि अगर हम जहाँ बिचड़ा कर रहे हैं बरसात है, पानी आया तो उसमें भर ना जाए, बिचड़ा गल ना जाए, उससे नुकसान हो जाता है। हम ऐसा जगह बिचड़ा करेंगे जहाँ पे पानी का निकासी हो, और अगर बेड में कर रहे हैं तो कम से कम बेड का 1 से 1.5 फीट ऊँचा होना चाहिए। हम लोग खेत में किसान भाई करते क्या हैं कि बेड नहीं भी बनाते हैं और बिचड़ा करते हैं, लेकिन उसका पानी का निकासी होना बहुत ज़रूरी है। पानी का निकासी, जैसे पानी भर गया तो हम उस पानी को निकासी कर सकते हैं, जैसे जो हमारा बीज जो है उसमें नहीं सड़े, इससे हमको कम से कम नुकसान होता है। मशीन के लिए जब बिचड़ा तैयार किया जाता है
तो इसमें ट्रे या फ्रेम में बीज बोया जाता है। इस तरह की विधि से बिचड़ा तैयार करने से बीज की काफी बचत हो जाती है तथा बीज का एक भी दाना सड़ता नहीं है। जैसे हम लोग पहले खेत में एक एकड़ में बहुत ज्यादा बीज लगाते थे, कम से कम 40 किलो 50 किलो बीज लगाते थे। अभी ऐसा समय आ गया है कि हम लोग एक खेत में 4 से 6 किलो तक बीज लगा रहे हैं, तो हम लोग का यहीं पर बचत हो गया। कितना? कम से कम 30 से 35 किलो का धान बचत हो गया। और दूसरा चीज है कि पहले मैनुअली जो बिचड़ा वगैरह करते थे तो पहले है दिमाग में बैठा लेते थे किसान कि हमारा कुछ धान सड़ेगा ही, लेकिन अभी के समय में ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एक भी बीज नहीं सड़े, एक भी दाना नष्ट नहीं। नर्सरी में धान के बिचड़ों के लिए बीज बोने से पहले जरूरी है बीज के प्रभेद का चुनाव। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसका उपयोग किसान एक वर्ष ही कर पाते हैं, दूसरे वर्ष बीहन के रूप में उसका उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बीजों का उपयोग दूसरे वर्ष भी किया जा सकता है। तो किसानों को ऐसे प्रभेद का चुनाव करना चाहिए जिसके बीज का उपयोग वे दूसरे वर्ष भी कर पाएं, जैसे ललाट, अभिषेक और सहभागी। लेकिन जमीन पे किस्म का भी प्रभाव पड़ता है। झारखंड में हम लोग के किसान हैं, उनको ये भी पूरा तरह से नहीं जानकारी है कि किस जमीन में कौन सा किस्म उनको ज़्यादा बढ़िया उत्पादन देगा। दूसरे के देखा देखी चल जाते हैं, तो किस्म किस तरह से चुने जमीन के हिसाब से? हम लोग का जिस तरह से झारखंड, पूरे झारखंड में जिस तरह का ज़मीन है उस हिसाब से हम लोग का जो धान का खेती होता है बहुत उपयुक्त ज़मीन है। बहुत ज़्यादा इसमें ज़मीन जो है कि हम लोग को चयन करने की जरूरत नहीं है, यही देखना है कि ज़्यादा बलुआही या जो मुरम मिट्टी होता है उस मिट्टी में हम धान का खेती अच्छा से नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी ये मिट्टी काला मिट्टी है, भुरभुरा है, दोमट है, इस मिट्टी में हम आराम से धान का फसल कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप कौन कौन से इन लोग को जो है प्रभेद अनुशंसित करते हैं? वैरायटी में जैसे अभी बहुत सारा वैरायटी मार्केट में आया हुआ है ना, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर जो है हाइब्रिड जो धान आया है, एक साल लगाने के बाद दूसरे साल उसका बिहन नहीं रख सकते हैं किसान, लेकिन कुछ इसमें जो किस्म है जिसको हम हर साल उसका बिहन रख के और अपना घर में रख के दूसरे साल भी उसको हम अपना खेत में रोवाई कर सकते हैं, जिसमें आपका ललाट है, अभिषेक है और सहभागी है। इस तरह का धान जो है इसको हम रख के दूसरे साल अपना खेत में फिर से लगा सकते हैं। झारखंड प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से किसानों को पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। बारिश अच्छी नहीं होने के कारण वर्षा आश्रित खेती पर निर्भर करना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे बिचड़े की नर्सरी की तैयारी कुएं, तालाब या जल स्रोत के आसपास करें, जिससे कि पटवन में सुविधा हो। जिस तरह का हम लोग का मौसम जो है कि धोखा दे रहा है, उस हिसाब से बहुत सोच समझ के चलना चाहिए किसान को। शुरुआती दौर में देखना चाहिए कि अगर हम अभी बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो ये 20 दिन में मेरा बिचड़ा तैयार हो जाएगा, तो 20 दिन के बाद बारिश हो चाहे नहीं हो उस बिचड़ा को लगाना है। अगर नहीं लगाते हैं तो बिचड़ा भी खराब हुआ और जिस खेत के लिए हम बिचड़ा तैयार किए हैं वो खेत भी परती रह जाता है। तो अधिकतर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कुआं या तालाब बगल में हो, पटवन की सुविधा हो या बोरिंग हो, तो वैसे जगह का हम लोग चयन कर सकते हैं। बहुत से किसान नर्सरी को बेड के ऊपर बनाते हैं, इससे अधिक पानी से बीज का बचाव होता है तथा बीज के सड़ने का खतरा कम होता है। ये बेड है और ये बेड इसलिए हम बनाते हैं कि किसी कारण, मौसम का कोई गारंटी नहीं है, तो अचानक पानी आने से भर जाता है खेत। अगर हम बेड पर नहीं बनाएंगे तो सड़ने का गलने का ज़्यादा डर रहता है बिचड़ा, इसलिए हम ये तरीका को अपना सकते हैं। ये खेत में भी अपना सकते हैं, अपना घर का बगल का बारी में भी इसको अपना कर सकते हैं। बीज को नर्सरी में डालने से पहले उसे उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले बीज को पानी में डाल दिया जाता है। खराब बीज जो पानी के ऊपर आ जाता है उसे फेंक दिया जाता है तथा अच्छे बीज को नमक के घोल में डाला जाता है। नमक का घोल बनाने के लिए 2 से 3 लीटर पानी लिया जाता है तथा उसमें उतना नमक डाला जाता है जितने में आलू या अंडा का 1/3 भाग घोल के ऊपर आ जाए। उसके बाद 1 kg बीज को उसमें डाल दिया जाता है। जो बीज घोल के ऊपर आ जाता है उसे फेंक दिया जाता है तथा घोल के नीचे जो बीज रहता है उसे निकाल कर जूट के बोरे में बांध दिया जाता है तथा उसे सूखने के लिए 36 घंटे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बीज को बो दिया जाता है। बीज का उपचार करना चाहिए। जो मार्केट में आया हुआ है, जो हाइब्रिड कह के बेच रहे हैं, वो ऑलरेडी उपचार किया हुआ है, लेकिन बहुत सारा गांव में धान हम लोग खुद किसान लोग रखते हैं अपना दूसरे साल लगाने के लिए, उस धान को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। उपचार करने के बाद वो खुद हाइब्रिड बन जाता है, वो हाइब्रिड का बाप बन जाता है, मैंने उसमें रोग ही नहीं रहता। तो उसको उपचार हम लोग कैसे करते हैं, जैसे 1 किलो आपका धान ले लिए, उसको हम पानी में डालेंगे
है ना, पहले पानी में डाल सकते हैं, उसको निकाल लीजिए। उसके बाद उपचार के लिए हम नमक का घोल तैयार करते हैं। नमक का घोल इतना तैयार करेंगे कि कोई अंडा या आलू डालेंगे उसमें, जब तक वो ऊपर आ जाए, उसका तीसरा भाग, तीन भाग पानी के नीचे रहता है और एक भाग जो है पानी के ऊपर आ जाता है, तब हम समझेंगे ये उपचार के लिए, बीज उपचार के लिए ये पानी, ये घोल तैयार हो गया। ले लेंगे, धान को निकालेंगे, जो भी खखरी बचा उसको फेंक दिए, जो अच्छा धान बचा उसको ले लिए। हम एक जूट का बोरा लेंगे, जूट का बोरा में उसको फैला देंगे। वो फैलाने के बाद एक बेवेस्टिन नाम का दवा आता है, उसको एक किलो में 2 ग्राम करके उसको हम पूरा मिला देंगे धान में। उसके बाद जूट का बोरा में इस तरह से जो बंधा हुआ है, ऐसे इसको हम बांध के 24 से अपने 36 घंटा के बाद भी हम इसको निकाले में या बेड में हम डाल सकते हैं। बिचड़े के लिए बीज को उपचारित करने के बाद बारी आती है बीज के बुआई की। इसके लिए बीज को दो तरीके से नर्सरी में बोया जाता है, पहला ट्रे में, दूसरा फ्रेम में। ट्रे में बीज बोने के लिए 23 इंच गुना 11 इंच का ट्रे लिया जाता है। इस ट्रे में 1 इंच का गड्ढा बना होता है। सबसे पहले उस गड्ढे में 1/4 इंच मिट्टी भर दी जाती है, उसके बाद बीज को डाल दिया जाता है, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है ताकि मिट्टी का लेयर 1 इंच का हो जाए। उसके बाद झरने वाले मग से बीज की सिंचाई कर दी जाती है। फ्रेम सर 1.5 x 3 है, कितना है? 23 इंच, 23 x 11 है। 23 इंच इधर से इधर लंबा है और इधर से 11 इंच इंच में। ये देखिए, ये केक तैयार आपका हो गया। फ्रेम में बीज बोने के लिए सबसे पहले बेड के ऊपर पॉलीथीन बिछा लेना चाहिए। पॉलीथीन में छेद होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर फ्रेम को रख देना चाहिए। उसके बाद गीली मिट्टी, जिसमें 4 भाग मिट्टी हो तथा 1 भाग खाद हो, उसे फ्रेम में भर देना चाहिए। उसके बाद उसे औजार से काट कर समतल कर देना चाहिए तथा उसमें बीज डाल देना चाहिए। 2-3 दिन बाद बेड के किनारे पानी भर देना चाहिए। जब पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए तो उसे मशीन की सहायता से अपने खेत में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। करा रही है भी कादू जो है आपका 4:1 है, मिट्टी रहेगा 4 अंश और 1 अंश आपका जो है ये जर्मिनेशन ही रहेगा, खाद रहेगा, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। उस हिसाब से जो है हम इसको जो भर रहे हैं, मान के चल। सब जगह जो जहाँ पर बनाएंगे, थोड़ा सा अगर छावर जैसा जगह रहेगा ना, पेड़ उड़ का नीचे बनाएंगे तो ज़्यादा इसमें जो है धूप नहीं लगेगा, 2 रोज 3 रोज, क्योंकि ज़्यादा अगर मिट्टी होगा तो मशीन जो है 1 इंच तक जो है ले पाएगा। इस तरह से नए तरीके से ट्रे अथवा फ्रेम में बीज बोकर धान के बिचड़े का केक तैयार किया जाता है, जिसे पैडी ट्रांसप्लांटर के द्वारा खेतों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इससे पैसे और समय दोनों की बचत की जा सकती है। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। तो देखा किसान भाइयों, ये वृत्त चित्र कितना अच्छा था आपके लिए। आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली धान फसल के नर्सरी के प्रबंधन के बारे में। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और वृत्त चित्र और विशेष जानकारियाँ आपके लिए आती रहेंगी, तो नियमतः आप देखते रहिए कृषि दर्शन। लेकिन जाने से पहले हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। तो किसान भाइयों, आपने पता लिख लिया। अब अपनी जिज्ञासा, अपनी जानकारियाँ, अपने सुझाव, सब कुछ इस पते पर लिख भेजिए। हम अपने कार्यक्रम में इसे ज़रूर शामिल करेंगे और आपके मुताबिक कार्यक्रम को बनाएंगे ताकि वो आपके लिए लाभदायक हो। चलिए, इसी के साथ हमारी टीम और झुमकी बहन को विदा दीजिए। जोहार, नमस्कार।